सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार से उनका और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शावकों को मैं वंदन करता हूँ मेरे ऊपर जाए जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में संपदा प्राप्त हुई है उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता आज जिस चीज के बारे में हम जानने वाले है वह अति तथिमाती बहुत ही प्यारी कहावत है ये महाराष्ट्र की जहाँ ज्यादा हो जाए वह हथ पार जहाँ ज्यादा हो जाए वह हथ पार हो जाती है और जहाँ हथ पार हो जाए वहां ठीक नहीं हो सकती बातें इसलिए कोई भी बात हद पार होने के पहले पहले सुधार लो हद पार होने के बाद सुधारने का प्रयास करोगे नहीं सुधार पाओगे सुधर ही नहीं सकती है ना जब धागा तनाव आ जाता है तो धागा टूट जाता है और धागा जब टूट जाता है तब आप उसे फिर वैसा नहीं कर सकते हैं उसे जोड़ा जा सकता है पर जोड़ने के बाद भी गांठ रह जाती है और वो गांठ बहुत समस्याएं उत्पन्न कर सकती वो गाठ बनी है तो फिर छूट सकती है तो प्रयास क्या करना है कि अति ना हो किसी भी तरह की अति ना हो तो आज अति के रूप में हम व्यक्तियों को लेकर बात करेंगे कि आपके जीवन में आपको पता है कि कोई दुष्ट व्यक्ति है कोई गलत व्यक्ति है और उस गलत व्यक्ति का पता होने पर भी आपको पता है साफ साफ दिख लो एक बात वो होती है कि दिखके नहीं गिरता कि गलत व्यक्ति है वो समय आने पर दिखके गिरता है हम उस व्यक्ति की बातें नहीं कर रहे दो तरह के होते हैं एक जिसकी गलती समय आने पर दिखती है जो छुपाने में बहुत माहिर होता जिसे हम है हम क्या कहते हैं मैन्युपुलेटर है ना उनकी गलतियां हमें नहीं दिखती वो इतने मीठे बोलने में इतने अच्छे होते हैं अपने गुस्से को इतना कंट्रोल रखते हैं कि नहीं दिख के गिरता और वो एकदम हम हमारी हानि हो जाती है तब जाके शायद से पता लग जाता है पर क्योंकि हम साइकोलॉजिकल उनके इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हम फिर हैबिट भी, भी छोड़ नहीं पाते अक्सर रिलेशनशिप्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है हम उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहे हम ऐसे विषय में चर्चा कर रहे हैं जो हमें दिख के गिर रहा है कि ये गलत है और हम फिर भी उसके विरुद्ध खड़े नहीं हो रहे हैं हम अपने आप को उन बातों से दूर नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा हम अभी नहीं कर रहे शुरुआती समय में ही शुरुआती दौर में नहीं कर रहे तो आगे जाके क्या होता है वो एक बहुत ही व्यापक रूप ले लेता है फिर उस मामले में या वो मामला सिर्फ हम दो व्यक्ति का नहीं रहता है वो मामला उस मामले में कई सारे लोग शामिल हो जाते हैं ऐसी एक कहानी से हम बताने का प्रयास करते हैं एक कपल था है ना एक पति पत्नी थे उनको लेके इस प्रकार से ख्याति थी, थी कि बड़ा अच्छा कपल है क्योंकि उनके घर से हमेशा हंसी की आवाजें आती थी हमेशा वहां पे हंसने की आवाजें आस पड़ोस के लोगों में आती थी तो लोगों को काफी आश्चर्य होता था कि कितना सुखद ये पति पत्नी जीवन जेल है क्योंकि ज्यादातर तो हम देखते हैं कि झगड़े क्या हमेशा आवाजें सुनाई आती है पत्नी कभी बोल रहा है पत्नी कभी बोल रहा है और अक्सर तो पत्नी की आवाज ही आती है किसी भी घर से क्योंकि पत्नी चिल्ला के बोलती है पति उतना चिल्ला के बहुत कम ही बोलता है जब पति दारू पी के होता है तभी वो चिल्लाता है तभी वो शेर बन रहा है पर ना हमें हमेशा तो पत्नी की आवाज आती है तो आस पड़ोस के घर से हमेशा उनकी आवाज आती थी इसकी आवाज तो आती नहीं थी और आएंगे तो हमेशा हंसने की आवाज आएंगी खेलने की आवाज आएंगी तो उस पूरे परिसर में उस कपल को बड़े आदर्श के दृष्टिकोण से देखा जाता है क्या क्या कपल है क्या रहते है तो एक बार ऐसे एक व्यक्ति रास्ते टहल रहा था तो उसने पूछ ही लिया रास्ते में टहलने के समय तो क्या रहस्य बोले तुम सारा मोहल्ला तुम्हारी तारीफ करता है हमें भी बताओ कि क्या ऐसा रहस्य तुम्हारे दोनों पति पत्नी के जिंदगी जीने का कितना तो कहता है रहने दो मत ही पूछो तो ठीक रहेगा तो क्यों बता ही दो कि ऐसा क्या रहस्य है हम भी जानना चाहते हैं हम भी जीना चाहते हैं क्योंकि अगर किसी का सुखी जीवन चिल रहा है तो लगता है कि हमारा भी सुखी जीवन होना चाहिए उन समान तो हमें इच्छा होती कि हम भी जाने कि क्या उसके जीवन में ऐसा है और हम भी वो ला सके अपने आप में क्योंकि गुणों के कारण ही तो है ना आखिर में मन तो सभी के पास है पर उसके मन मे, उसके में उसके स्वभाव में उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण है जो हमारे मन में हमारे व्यक्तित्व में हमारे स्वभाव में वो गुण नहीं है क्योंकि गुण ही तो है जो सुख लाते हैं परिवर्तन लाते हैं बाकी मन तो सभी के पास शरीर तो सभी के पास है तो कहते है, रहने तो मत पूछो पुछू। तुम पूछोगे तो मैं रोना शुरू कर दूंगा तो ठीक है उसने बोला क्या अब इतना बुरा तो रहने तो नहीं पूछता बीतते बीतते साल बीते और साल पांच साल बीतने के बाद वो दोनों पति पत्नी जो बहुत ही अच्छे माने जाते थे पूरे मोहल्ले में वो दोनों पति पत्नी कचेरी में जाते तो किसके लिए डिवोर्स के लिए और ये पूरी बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है पूरे मोहल्ले में और पूरे मोहल्ले के लोग भी कचेरी में बैठ जाते कि क्या हुआ मुद्दा कि सब कुछ जानने हुआ कि है कि क्या हुआ बोले शादी को पूछता है शादी कितने साल हो गए तो बताता है कि छह साल हो गए और बोलते छह साल बाद तुम डिवोर्स देने आए हो अभी ऐसा क्या समस्या उत्पन्न हो गई जो तुम्हें तो छह साल बाद डिवोर्स देने की मन कर रहा है ऐसे कौन सी घटना घटी गट तो भैया तो बोले रहने मत पूछिए बस मुझे डिवोर्स मैं बता ही दो बिना इसके थोड़ी डिवोर्स मिलने वाला है तुमको तो कहते हम नाश्ता किसी को बताया नहीं पर आज बता रहा हूं कि मेरी पत्नी मुझे बर्तन फेंक के मारती है तो बोलते अरे कब शुरू हुआ अभी भी शुरू हुआ कितने दिन हो गए तो बोलते नहीं तो शुरुआत से फेंकते फेंक के मारती आ रही है मुझे तो बोलते अभी क्यों आए हो अभी क्या जम के फेंकके मारती क्या पहले धीरे से के मारती थी बोलते नहीं तो पहले जब वो के मारती थी तो मैं बच जाता था अगर वो दस बार फेंक के मारेंगी तो बड़ी मुश्किल से एक हाथ लगेगा तो लगेगा वरना वो भी नहीं लगेगा तो अभी क्या हुआ तो बोले अभी वो फेंक फेंक के मार मारने में एक्सपर्ट हो गई है अभी उसका एक भी निशाना चुखता नहीं है और मुझे लग जाता है तो क्या हुआ बोले तो पहले ऐसा था समस्या ये भी नहीं कि मुझे हर लग जाता है समस्या ये है कि वो हंसती है हर बार जब उसका लगता है तो वो देख ये एक तो के मार रही है और वो भी वही हंस रही है तो में तोड़ जाता हूँ मुझे देख के नहीं होता है क्यों हंस रही है इतना इतना खुश हो रही है अब पहले क्या होता था कि पहले उसका छूटता था तो मैं हंसता था तो मुझे भी आनंद मिला था कि चलो भाई उसका छूट गया तो मुझे छिड़ाने का मौका मिला था कि छूट गया उसका तो मुझे भी खुशी मिलती थी तो पहले सब बराबर था कभी उसका लगेगा तो हंसी थी और उसका नहीं लगेगा तो मैं हंसता था तो सुख दोनों के इसमें था कभी वो कभी मैं हसूंगा उसका भी चलता था मेरा भी चलता था पर फेंक के मार मारने में इतना एक्सपर्ट हो चुकता ही नहीं है और अब आनंद सिर्फ उसी को मिलता है सिर्फ वही है हस्ती सिर्फ वही है अब हद हाँ पार हो गई कब तक सुखू सी सिर्फ वही खुश है कब तक हंसी देखू सिर्फ वही हस रही है अब हाँ, अब नहीं और मैं टेट नहीं कर सकता और इसलिए अब मैं डिवोर्स चाहता हूँ ये सभी देख हो गए पर इस कहानी से जो मनोविज्ञान मानवीय मस्तिष्क का जो बातें जानने के लिए मिलती है वो बहुत सुंदर है दो बातें सबसे पहली बात जो इस कहानी से देखने के लिए मिलता है वो ये है कि व्यक्ति के जीवन में जब शुरुआत में समझ समस्या आती है ना अगर तभी वो उस बात पे एक्शन ले ले तो उस पर भारी नहीं होती है पर 99 परसेंट लोग क्या करते यही गलती करते शुरुआत में कुछ नहीं बोलते क्योंकि शुरुआती समय में उसका टैकल कर पाते हैं उनको लगता है कि हम संभाल लेंगे क्योंकि उनमें शुरुआती समय में गुण रहता है क्योंकि नहीं मैं कर सकता हूं पर हमेशा कोई भी व्यक्ति ये बात भूल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में भी गुण डेवलप हो सकते हैं सामने वाला व्यक्ति भी समय के हिसाब से ताकतवर हो सकता है और आज भारतीय समाज में भी क्यों ना हो या बौद्ध समाज में ही क्यों ना हो ये बातें हैं सामाजिक तौर पे भी मैंने कई सारे हम जब कंप्लेन किया ऐसी बात की है तो कई सारे लोग इस बात से लेते कि नहीं अभी रहने दो ना अभी कर रहा है अभी हो रहा है अभी चल रहा है चलने दो इस प्रकार से हर व्यक्ति छोड़ देता है पर यहाँ पे समस्या निर्माण होना शुरू हो जाती है जितने भी इतिहास में अगर बड़े बड़े जो साम्राज्य ढहे है उसका एकमात्र कारण यह है कि शुरुआती समय में कई सारे लोगों ने छूट दे दी हम भी क्या करते हैं जब शुरुआत में कुछ हाँ छोड़ना आज क्रीम तो कुछ नहीं होता कर छो, कर लेते हैं जो छोड़ना जो होता है ना या किसी बात को हल्के बिना चाहे अपने अवगुण हो या किसी बात को लेके छूट देना हो में ही क्यों ना हो शिलो में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के हाँ छोड़ो ना मजिद मजाक तो कर है छोड़ दो ये छोड़ो ना अभी हम हम दोस्त पक्के काफी उसको अभी वो नया नया आया है वो हमें दोस्त बिगाड़ नहीं सकता तो रिश्तों में हो किसी के लेके मजाक को हो या समाज में किसी व्यक्ति को लेके जहां पे आपने छूट देना शुरू कर दी वहां पर ताकत रोना शुरू हो जाता है तो जिस प्रकार ये कथा में हम देखते हैं अच्छी कथा में कि गलती काफी होती है शुरुआत में जो हम दे देते हैं किसी को भी हमको लगता है कि हम संभाल लेंगे ऐसा नहीं हो सकता हम नहीं संभाल सकते किसी व्यक्ति को भी नहीं संभाल सकते कुछ नहीं जब आपके पास क्षमता अगर तब नहीं संभाल रहे हो तो आप आगे भी नहीं संभाल पाओगे जब क्षमता है तब उस व्यक्ति को संभाल लो तब उस व्यक्ति पे नियंत्रण हासिल कर लो इसलिए मैं सिर्फ ये बातें कई बार उन व्यक्तियों के बारे में भी, भी कहता हूं जो बुरे व्यसन में जा रहे हैं मैं कहता हूं अगर तुम्हें लग रहा है अगर तुम अभी कंट्रोल कर सकते हो इस बात पे तो कर लो इफ यू कुड यू मस्ट इफ यू कुड नॉट देन यू शुड ये मेरा खुद का अपना कोट है मैं खुद अपने जीवन में चलता हूं कि अगर तुम कर सकते हो जरूर करो अगर तुम कर सकते हो तो जरूर करो अगर तुम नहीं कर सकते तो कम से कम कोशिश करो जीवन में ये बातें अपनाना शुरू करो वरना तुम जीवन में कुछ पलन नहीं कर पाओगे तुम जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाओगे कई बार मैं दोस्तों भी देखता हूं कि आप में ढंग से बात नहीं करेंगे मैंने कहा अगर तुम अच्छे से बात कर सकते हो तो करो तो तो ना कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे व्यसन को लेके देखे हैं रिश्तों को लेके देखे हैं जहां पे सुधारने की आशा है सुधार की आशा है वहां पे कोशिश करो और हम वहां कोशिश नहीं करते क्योंकि हम लगता है कि मैं कर सकता हूँ ना बाद में कर लूंगा और जिसने सोचा कि मैं बाद में कर लूंगा कभी नहीं कर सकता क्योंकि जो जब कर सकता था अगर वो तब नहीं कर रहा तो बाद में क्यों करेगा और एक बड़े प्यारे दार्शनिक है उन्होंने बड़ा प्यारा कहा है कि कल कभी नहीं आता कल भी आज ही आएगा इससे जो है आज ही है अपने जीवन में जो करना है कि चीज पर नियंत्रण लाना हो चीज को हटाना हो आज से शुरुआत होती है इसलिए प्रेजेंट इस प्रेजेंट 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 ये प्रेजन्ट को कहते हैं का मतलब क्या होता है गिफ्ट उपहार आपको जो करना है पुण्य भी करना है अभी करो इसलिए बुद्ध भी तो कहते हैं ना कि पुण्य करने में देरी मत करो परिवर्तन करने में देरी मत करो कौन सा कर पाएगा वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके हाथों में है देवदत्त ज्वलंत उदाहरण है कि देवदत्त जब कर सकता था तब नहीं किया में क्षमता थी पर जब कर सकता था तब नहीं किया और जब करने का मन किया तब बुद्ध ने साफ बोल दिया वो नहीं आ सकता देवदत्त दरवाजे पे था आनंद भागा, भागा भागा भगवान के पास आता और भगवान को कहता कि भगवान चलिए वो रास्ते पे आया है चलिए चलिए भगवान क्या कहते हैं नहीं हो सकता बोलिए आनंद बिल्कुल नहीं हो सकता ये शक्य ही नहीं है क्यों मेरे दर्शन कर पाए मैं वहां पे जाने के पहले ही वो चलाचल बसेगा ये असंभव है तो इसलिए इस आशा में मत रहो कि मैं बाद में कर लूंगा चाहे कंट्रोल या चाहे प्रैक्टिस अभी करो किसी चीज को लाइटली मत लो क्योंकि मैंने ये बात अनुभव से भी अपने जीवन में क्योंकि एक कोरोना होने के कारण से एक युक्त स्वभाव होने के कारण से मैंने अपने जीवन में कई लोगों को मौके दिए हैं अगर किसी को जानना है तो आओ मैं अच्छे से एकदम डेप्थ एक्जैक्टली बता सकता हूँ एक एक चीज साइकोलॉजिकली सरकमस्टेंसेस के साथ एक एक चीज का एनालिसिस करके बता सकता हूँ मैं मेरे गलतियों का भी कि मैंने किस प्रकार से गलती और की और भगवान की शिक्षा में भी यहाँ पे समझने में कैसा लोग गलती कर देते और अगर ये बातें समझनी तो जातक कथाओं का अध्ययन करो ये धमापति कथाओं से नहीं पर जातक कथाओं से आपको अच्छी प्रकार समझ जाएगा कि बोधि की अवस्था में होते हुए बुद्ध ने किस प्रकार से करुणा का बराबर इस्तेमाल किया महायान लोग तो जातक कथाओं करुणा के रूप में लेते हैं पर जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की करुणा कैसे उपाय कौशल्य युक्त है वो पता चलता है मैंने भी सोचा कि नहीं मैत्री है मैत्री है सबके साथ मैं, मैं ये रहो पर वो लोग आपकी हानि कर देंगे आपका नुकसान आपका संसार तबाह कर देंगे मत भूलिए कि एक बार देवदत्त मिल गया और एक बार की वो घटना से कितने जन्मों के लिए पीछे पड़ गया देवदत्त इतना खतरनाक जीवन बन गया कि, कितने जन्मों को छोड़ा नहीं दे दो वो एक चांस मत आने दीजिए और वो एक चांस उसी के जीवन में नहीं आएंगे जो सतर्कता के साथ ध्यान के साथ सबके साथ व्यवहार करता है वरना आप बोलूंगी नहीं 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 हम तो अच्छे हैं हम तो सब पुरुष है हम तो कल्याण में अच्छे हैं तो हमारे साथ तो बुरा होगा ही नहीं कर्म सब देख लेगा हाँ जो ऐसा सोच के ठहरता होगा कि नहीं नहीं वो अपने कर्मों का फल देख लेगा ना हम अच्छा कर रहे हैं ऐसे मैंने देखे कुछ आदर्शवादी लोग उच्चतम आदर्शवादी लोग कि नहीं नहीं बनते जी वो अपने कर्म देख लेगा पर उनके शब्दों में दिखा मुझे पर जब उन पे आई तो उन्होंने भी वैसा ही किया टिट टैट वाला मैंने देखे अपने आंखों से लोग क्या बताओ पर ऐसा नहीं होता है और जो ऐसा सोचता होगा ना कि अरे उसके कर्म उसको देख लेंगे हमारा 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 कर्तव्य है कि हम अच्छे कर्म करें नहीं भगवान ऐसी शिक्षा नहीं दिए तो आंखों पे पट्टी बांधने वाले समान चलना हो जाएंगे अंधभक्ति समान हो जाएंगे अरे भगवान की शिक्षा प्रज्ञा की शिक्षा होने के कारण से जब भगवान बुद्ध बोल रहे की मूर्खों के संगति दूर रहो मूर्खों के संगति दूर रहो मतलब क्या है पर जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा होगा नहीं नहीं हमारा तो काम है हम अच्छे कर्म करेंगे उसका उस पर थोटेंगे उसका उसको देखेंगे इसका मतलब अब भगवान की शिक्षा को समझे नहीं जाए भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि मूर्खों के संगति से दूर रहो मूर्खों के संगति दूर रहो मतलब ये बहुत बड़ी बात है आप नहीं समझ सकते एक बार आप मूर्खों की संगति में आ गए तो आप एक जाले में फंस गए फिर आप उज्ला जाली से निकल नहीं सकते जैसे कितने जन्मों तक तो भगवान आपने कभी सोचा उस पहलू पर सोचने का प्रयास किया है कि भगवान तो अपना जीवन जीते अपने पारमिता पूरे कर रहे थे पर दुदत्त से देखो छूटी नहीं पाए इतने जन्मों से तो इसलिए भी जब किसी व्यक्ति से दूर हो सकते हो चाहे वो रिश्ता हो प्रेम का रिश्ता हो चाहे वो मित्रता का हो चाहे वो सहायता का हो अपने आप को संभालो अपने आप को दूर करो और भगवान के शिक्षा को समझो कि भगवान ने कहा तो भगवान गलत नहीं हो सकते वरना इतिहास उठा के देख लो एक बार जितने बड़े बड़े साम्राज्य है बड़े बड़ी गलतियां हुए यही को किसको माफ करना चाहिए किसको माफ नहीं करना चाहिए किसको छूट देनी चाहिए किसको छूट नहीं देनी चाहिए कई सारे बच्चे इससे बिगड़े कि माता पिता को नहीं समझा कि किसकी कहाँ पे छूट देनी चाहिए कहाँ पे नहीं छूट देनी चाहिए माता पिता भी ये गलती करते हैं बच्चा है ना कर रहा है करने तो कुछ नहीं और इसका जाके बच्चे बिगड़े तो इसलिए ये बात समझिए कि जब घोड़े की लगाम कस सकते हो तो कस लो क्योंकि भगवान की शिक्षा आपको सिखाती है अंकुश लाना अंकुश पता है किसे कहते हैं अंकुश और अंकुश ये प्राचीन समय का संवर शब्द ही आगे गया अंकुश बन गया है पर अंकुश जो है प्राचीन समय में एक हथियार तो था नोकदार जो हाथी पे जो बैठते थे, थे ना और हाथी को कंट्रोल करते थे जंग में हाथी को जो कंट्रोल करते थे कि इधर जाओ इधर मुड़ो तो वो जो हाथी बैठे वाला जो हाथी कंट्रोल करता था ना उसके हाथी में रहता था, था एक औजार वो औजार से हाथी के सर पे टोच टोच के वो हाथी को कंट्रोल करता था तो, था तो उस हथियार अंकुश तो वही उस हथियार के नाम का उस हथियार नाम था अंकुश और उससे पड़ गया आगे जाके हम बोलने लगे कि अंकुश लगाओ मतलब संभालो सही सही दिशा में अपने आप को मोड़ो तो अंकुश लगाओ अंकुश अपने अपने मन पे अपने जबान पे अपनी वाणी पे नहीं बल्कि अपनी संगति पे भी अपने रिश्तों पे भी कई भी सीमा पार मत होने दो तो जीवन आसान हो जाएंगे कितना आज के लिए काफी है साधु साधु साधु